सोलन में जनमंच की समीक्षा बैठक आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जनमंच के संयोजक नरेंद्र ब्राक्टा ने की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि ये एक ऐसा मंच है जिसमें हिमाचल की आम जनता बिना किसी डर के अपनी समस्याएं सरकार के समक्ष रखेंगी और उन समस्याओं को तुरंत प्रभाव से हल भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सोलन में अब तक 9 जनमंचों का आयोजन हो चुका है, जिनमें 987 जन समस्याओं को लोगों ने रखा और उनमें से 974 समस्याओं का समाधान हो चुका है। यही नहीं, जनता ने 2417 मांगों को सरकार के समक्ष रखा था, जिनमें से 1730 मांगे पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही सोलन में मुख्यमंत्री भी जनमंच की अध्यक्षता करेंगे और लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। नरेंद्र ब्राक्टा ने ऐलान करते हुए कहा कि जनमंच सोलन में आंकड़ों के हिसाब से हिमाचल में सबसे बेहतर चल रहा है, लेकिन अब इन जनमंचों का रियलिटी टेस्ट होगा और इसलिए वे खुद मीडिया और अधिकारियों के साथ जाकर उन लाभार्थियों से मिलेंगे जिन्होंने जनमंच के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान पाया है, और ये जानने का प्रयास किया जाएगा कि क्या वास्तव में उन्हें लाभ मिला भी है या नहीं। उन्होंने बताया कि प्री जनमंच और पोस्ट जनमंच हो चुके हैं और अब उसके क्या प्रभाव रहे हैं ये जानना अवश्य है, जिसके लिए वे खुद फील्ड में उतरेंगे। प्री मंच, मंच और पोस्ट मंच, ये तीनों जो भाग हैं इस जनमंच के, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इस पर हमने आज व्यापक चर्चा की है। जो पेंडिंग इश्यूज थे उनको सॉल्व करने के लिए आज हमने यहाँ पर कुछ निर्णय लिए हैं, और अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हम ये करेंगे कि हम रैंडम जो है जहाँ जहाँ ये जनमंच हुए हैं वहाँ पर हम खुद जाएंगे, और मैं खुद जाने वाला हूँ कुछ जगह को लेकर के, जिसमें प्रेस के बंधु और जिसमें हमारे जो है अधिकारी मेरे साथ जाएंगे, और जिन्होंने ग्रीवेंसेज यहाँ पर प्रस्तुत किए होंगे उनके परिवार से और उनसे जा कर के मिलेंगे, और क्या वस्तुस्थिति है, अगर उसमें कोई कमी है, कोई सुझाव उनकी तरफ से आएंगे तो उसको भी जो है कार्यबद्ध करने का हमारा प्रयास रहेगा। जिम्मेवार विपक्ष है, उनको ज़रा सोच समझ के इन बातों को उठाना चाहिए। उन्हें तो बड़ी बड़ी कोई झंड मच बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, इतनी भद्दी भद्दी जो है वो, आप बताइए अगर किसी के ग्रीवेंसेस समाप्त हो रहे हैं तो क्या ये बुरा हो रहा है? अच्छी बात हो रही है। और मुझे आपसे भी आग्रह करना है कि जो जनमंच यहाँ अच्छे कामयाबी के साथ प्रदेश में चल रहा है उसमें प्रेस का भी अभी तक योगदान रहा है और आगे भी आपका योगदान रहेगा। एच टुडे के लिए सोलन से चिन्मय की रिपोर्ट।